Very venerable viewers. Uh, today we are going to talk about uh, the development of emotions in psychosocial development of child. And uh, today we are going to talk about the characteristics of uh, emotional development. Emotions uh, are frequent. Uska is Uh, वो एक दफ़ा नहीं बल्कि यह है कि वो बार बार होता है और वो कि इंटरनल स्टेट है आपका बॉडी आपका ह्यूमन बाइड एंड द सिचुएशन अराइजेज एंड द इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड बच्चे अपने इमोशंस का इजहार कर रहे होते हैं और जो ही उन्हें वो मौका मिलता है अगर वो एक्साइटेड हैं दोबारा उन्हें एक्साइटमेंट मिलती है ऐसी सिचुएशन मिलती है ऐसी वो माहौल को देखते हैं तो दे गॉट एक्साइटेड और इसमें आ, कुछ कॉमन इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं जिस तरह से तो ये तमाम बच्चों में ये इस तरह से ऐसा मौजूद होता है हैप्पीनेस है एंगर है जॉय है और फियर है और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आ, अपसेट कर देती हैं आ, वो उसको एंगर की तरफ ले जाएंगी और कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको एक्साइटमेंट की तरफ जॉयस की तरफ ले जाएंगी और बहुत सारी ऐसी बातें जो उसको प्लेजेंट करती हैं कंफर्टेबल करती हैं मसल खाने पीने की चीजों को देखना रिलैक्स फील करना और अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ काम करने के लिए उसको चीजें मिल रही होती हैं तो वो उसका इजहार कर रहा होता है और इसी तरह Uh, हम देखते हैं कि दो इमोशंस हैं यानी जज्बात हैं वो किसी न किसी चीज के साथ वाबस्ता होते हैं या वो इवेंट होते हैं या फिर यह कि वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं मसल कैंडी है दैट इज एसोसिएटेड विद द जॉय एंड हैप्पीनेस और ये छोटे बच्चों की जरूरत है और जो ही वो दे सी और वो एक, एक जज्बा हैप्पीनेस का उनके अंदर किदार होता है और दैट कैन बी एक्सेलरेटेड और इसी तरह हम ये देखते हैं कि इमोशंस उस वक्त पैदा होते हैं जब एनवायरमेंट साजगार होता है और कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट उसके सामने मौजूद होते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि इमोशंस जो है ना वो टेम्प्ररी है और वो एक दफ़ा पैदा होने के बाद फिर वो अपनी असल कंडीशन में बॉडी आ जाती है जब उसके लिए वो हालात उस तरह से साजगार रहते हैं वो हैप्पी उसके लिए वो एनवायरमेंट साजगार नहीं होता जो उसको अनहैप्पी कर देते हैं तो वो जब तक वो माहौल बरकरार रहता है तब तक वो अनहैप्पी है उसके बाद वो दे आर बिकमिंग टू वर्ड दी हैप्पीनेस एंड मूड इज गोइंग टू बी प्लेजेंट इसी तरह हम देखते हैं कि वो अनप्लेजेंट मूड में छोटी सी चीजों के लिए भी आ, अपने आप को खुश कर लेते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है उस माहौल में और उसके सामने वो चीज आ गई है और उसने उसको देख लिया है और उसके लिए वो फेवरेट है तो दैट इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड चेंज ऑफ द मूड बच्चे अपने उन इमोशंस के इजहार के लिए तो किसी चीज़ के मुंतजर नहीं होते बल्कि यह है कि उसका फौरी इजहार जो है न वो कर देते हैं और किसी और चीज़ का इंतजार नहीं करते तो एग्रेशन है तब भी उसका इजहार है और जॉय है तो टुडे एक्साइटेड। और उनके लिए यह है कि द प्लेजेंट एनवायरनमेंट शुड बी देयर। और अगर खौफ आ, आ, दिलाने वाली चीजें उसके सामने और जिनसे वो मानूस नहीं है तो उससे वो खौफ के उस फियर के इमोशन से भी वाबस्ता हो सकता है और अगर चीजों का तारफ उसके सामने हासिल है और तो वो उन चीजों से खौफ ज्यादा उस तरह से नहीं होता इसी तरह हम देखते हैं कि इन चीजों की स्ट्रेंथ बढ़ती है जो जूं, जूं उसका इजहार होता है तू तू उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है बच्चा हैप्पीनेस में रहता है, हैप्पीनेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है बच्चा खौफ का शिकार रहता है तो खौफ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी इसी तरह बाकी इमोशंस का ताल्लुक हम देखते हैं इसी तरह हम देखते हैं कि एडलोसेंट एज में लेट चाइल्डहुड में इमोशनल एक्सप्रेशन है ना बच्चा फौरी उसको अमल पजीर करता है और उसमें जो सोशल सिचुएशन हैं उसी वक्त उसकी परसेप्शन डिवेलप होती हैं और उसी वक्त उसका इजहार करता है और अगर उसमें हम चाहें कि वो कंट्रोल करे और उसको सीखे उसके लिए फिर उसे डायरेक्शंस भी दी जाती हैं और उसके जो चाइल्डहुड से पहले के अदवार हैं उसमें हम उसको बहुत सारी चीज़ों से कंफर्टेबल करते हैं उसकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं उसके जज्बात के इजहार के लिए मुख्तलफ ज़राए अख्तियार करते हैं जिसमें खेल है जिसमें मुख्तलफ एक्टिविटीज में उसकी शमूलियत है और बाकी लोगों के दरमियान उसका रहना है उसके पीयर्स हैं उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दरमियान उसका इंटरेक्शन जो उसके इमोशंस को स्टेबल करने में मददगार साबित होता है इसी तरह हम देखते हैं कि एडोलसेंट्स जो हैं उनमें इमोशंस uh, कम्पलेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये जो मुख्तलिफ तरह के इमोशंस इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो उससे वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन या स्ट्रेन और टेंशन की कंडीशन में आ, वो आते हैं जिसका इजहार उनके चेहरे से भी हो रहा होता है उनके जिस्म से भी हो रहा होता है और उनके एक्टिविटीज से भी अंदाजा हो रहा होता है वैन दे आर डूंग परफॉर्मिंग समथिंग

अपने उन ख्याल का इजहार करने का मौका देते हैं तो इससे बच्चा सोसाइटी का बेहतरीन इंटरक्टिव रुकन साबित हो सकता है और वह अपने इमोशंस को जज्बात को सही रुख में इस्तेमाल कर सकता है थैंक यू वेरी मच